वेलकम बैक। आई एम नवीन फ्रॉम केएस क्लासेस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी हमने बनाया था। जैसे मैट्रिक्स के क्वेश्चन हमने बनाया था कुछ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के इक्वालिटी, उस पर मैंने क्वेश्चन बनाया था, एक्स वाई जेड का मान निकाला था। आज हम देखेंगे कि आज हम कुछ अलग टाइप यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, यानी कि मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का जोड़ेंगे कैसे, दो मैट्रिक्स को घटाएंगे कैसे, दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करेंगे, किसी मैट्रिक्स में कुछ का गुना करना है स्केलर का तो कैसे करेंगे। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने देखा था कितने प्रकार के, तो सात प्रकार के। वहां पर हमने तीन प्रकार आपको नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि आपको 12th क्लास के लिए वह जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इससे आगे पढ़िएगा तो वह जानना जरूरी हो जाता है। तीन प्रकार मैंने वहां पे, तीन प्रकार कुछ खास नहीं छूटा था, 1, 2, 3 तीन प्रकार मैंने वहां पे छोड़ दिया था। एक होता है रेक्टेंगुलर, मैट्रिक्स जो होता है वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। जिस भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम इक्वल नहीं है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि आयताकार तब भी होगा। आयताकार कब होगा? रो और कॉलम बराबर होगा तो आयताकार नहीं होगा, वो तो हो जाएगा वर्गाकार, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जो आयताकार हो, और आयताकार तब भी हो सकता है जब एम क्रॉस एन जो होता है एम नॉट इक्वल टू एन हो, तो उसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसका रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं हो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसी प्रकार में दो नंबर छूट गया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स देखा था ना, डायगोनल मैट्रिक्स हमने देखा था, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स तो होते हैं, बाकी और मैट्रिक्स यहाँ पे जो जीरो जीरो होता था उसी को ना हम लोगों ने बना था डायगोनल मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ नीचे जीरो हो लेकिन ऊपर जीरो नहीं हो, उसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर है ही कैसा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर है, ऊपर की ओर ट्रायंगल बन रहा है यानी कि त्रिभुजाकार ऊपर की ओर। और लोअर ट्रायंगुलर एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर में क्या होगा कि लोअर में आपको नीचे की ओर बनेगा और ऊपर क्या रहेगा, बाकी अदर एलिमेंट जीरो रहेगा। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। तो यही दो मैं छोड़ दिया था जो कि कोई खास आपके लिए जरूरी नहीं था। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर इसको आपने नहीं बताया, चलो मैंने बता दिया। और आगे देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। जैसे हम मैट्रिक्स को ऑपरेशन करेंगे, मैट्रिक्स का ऑपरेशन अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, उसका कर देते हैं ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन करने से क्या क्या होगा। सबसे पहला हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का जोड़। तब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम देखेंगे क्या, देखेंगे कि इसमें सबसे पहला बात हमको ध्यान रखना है कि जब भी मैट्रिक्स का हम एडिशन करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर लिख लेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल या फिर सेम।
यानी कि दोनों दो मैट्रिक्स का अगर हम जोड़ घटाव करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सेम, और हम देखेंगे इसमें एडिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि संगत अवयव को हम लोग ऐड करेंगे, उसके संगत अवयव को ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बहुत आसानी से समझ पाएगा, हमने एक मैट्रिक्स लिया ए बराबर 4 5, या फिर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। कुछ दूसरा एग्जांपल हमने लिया ए बी सी और डी ई एफ, यहाँ पर हमने कैपिटल में लिखा, यहाँ पर हमने स्मॉल में लिखा। अगर कोई आपसे बोले कि बाबू ए प्लस बी करो, ए प्लस बी करो, तो ए प्लस बी यानी कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, आपसे कभी सवाल गलत नहीं करेगा, आपसे सवाल हमेशा राइट करेगा। यानी कि ए और बी हम जोड़ेंगे, लेकिन अगर ए को ऐसा कह दे और बी को ऐसा जोड़ने के लिए कह दे, हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। नहीं, यहाँ पर 2x2 है और यहाँ पर 2x3 है, 2x3 है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ नहीं पाएंगे। अगर ये 2x3 है तो इसको भी 2x3 होना पड़ेगा, तभी हम इसको जोड़ पाएंगे, तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। तो अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा कि इसका संगत अवयव, इसके ए वाला संगत अवयव, यानी कि हम लिखेंगे ए प्लस ए, यहाँ पर लिखेंगे बी प्लस बी, यहाँ पर लिखेंगे सी प्लस सी, यहाँ पर लिखेंगे डी प्लस, इसका संगत ई हो गया डी प्लस डी, और ई प्लस ई, और एफ प्लस एफ, होगा कि नहीं। संगत अवयव, संगत अवयव बोलने का मतलब ये है कि पहला रो पहला अवयव, इसका भी पहला रो पहला अवयव, इसका पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इसका दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम। तो संगत अवयव को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा, हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं और आपको कहते हैं जोड़ने के लिए, तो आप जरा जोड़ के हमको बताइएगा। तो हम एक जोड़ आपको देते हैं और आप जोड़िएगा। हमने एक सवाल दिया, क्वेश्चन ए बराबर 2 5 6 7 8 3, और एक हमने आपको बी दिया √3 2 5 और 8 √5 और यहाँ पर 8, और आपको हमने जोड़ने के लिए कह दिया कि आप जरा इसको जोड़िए। यहाँ पर हम कुछ और अवयव बदल देते हैं, 8 + √5 कर देते हैं, तो इतना हमने अवयव दिया। अब आपको क्या करना है कि a प्लस बी ज्ञात करना है, a प्लस बी ज्ञात करना है। तो a प्लस बी ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि हम लोग उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि 2 को इस वाले √3 के साथ जोड़ेंगे, 2 को √3 के साथ जोड़ सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यह परिमेय है और यह अपरिमेय है, परिमेय और अपरिमेय आपस में एडिशन नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 + √3, यहाँ पर क्या होगा 5, और 2 अगर जोड़ दें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप 7 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 और 5, यहाँ पर क्या होगा 7 + 8 + √5 होगा, यहाँ पर क्या होगा 8 + √5, यहाँ पर क्या होगा 8 + 3। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2 + √3, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों का कम से कम एडिशन होगा, परिमेय और परिमेय, क्या होगा 15 + √5, यहाँ पर 8 √5 और यहाँ पर 8 और 3
11, तो हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो काफी आसान है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना, काफी आसान है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी कि हम कुछ मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। तो आप इसको करें नोट डाउन, हम देखते हैं आगे। आगे हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। कहता है कि एक स्केलर यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि अचर, कोई अचर से हम किसी मैट्रिक्स में गुना करते हैं, किसी मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी मैट्रिक्स से अगर आप किसी मैट्रिक्स में गुना करिएगा, स्केलर से गुना करिएगा, तो स्केलर से आप गुना करिएगा। जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ। आपको क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स में के ए, के कोई स्केलर है, के ए करना है, क्या करना है, के ए करना है। तो के ए करना है तो आप क्या करिएगा कि इस वाले ए मैट्रिक्स में के से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या कर दीजिएगा कि के से आप मल्टीप्लाई करिएगा ए बी सी डी ई एफ के एलिमेंट में। तो जो के जो मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के सभी अवयव में होगा, सभी अवयव में होगा, यानी कि ऑल टू ऑल एलिमेंट। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं के ए बराबर, हम लिख सकते हैं के ए के बी के सी के डी के ई और के एफ, हम इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने क्या समझा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, यानी कि ए आई जे है, एम क्रॉस एन है, इस वाले में अगर के से गुना करना है तो क्या होगा, के ए आई जे एम क्रॉस एन तो होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, यह जो के है अंदर चल जाएगा सभी के सभी ए आई जे में, सभी के सभी ए आई जे में। इस तरह से हम मल्टीप्लाई किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स में कर सकते हैं। किसी भी स्केलर से अगर मैट्रिक्स में करना हो मल्टीप्लीकेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, वह जो स्केलर है मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई करेगा, मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई करेगा। तो है कि नहीं बाबू, समझ पा रहे हैं इसको, तो आप करें इसको नोट डाउन, फिर मैं आपको इस पर कराता हूँ एक क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आपको मैं कराता हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, या फिर आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले सकते हैं। हमने ए कोई मैट्रिक्स दिया 2 4 5 7 8 9, यह जो हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है। अब मैं कहूं कि बताओ फाइंड 2A बराबर व्हाट। अब क्या कह रहा है कि इस वाले ए मैट्रिक्स में 2 से गुना करना है, इस वाले ए के मैट्रिक्स में 2 से गुना करना है। तो काफी आसानी से आप इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे, यानी कि 2A बोलने का मतलब कि 2 से गुना होगा सभी इस वाले मैट्रिक्स में। तो अगर आप 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 4 गुने 2 5 गुने 2 7 गुने 2 8 गुने 2 और 9 गुने 2, और इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा क्या निकल के आएगा, 2A बराबर निकल के आएगा 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, अब 5 दुनी
दस, यहां से आएगा 7 × 14, 8 × 16, 9 × 18, 16 और 18, ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स निकल के आ गया 2A बराबर। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5A निकालो, नहीं निकल पाइएगा, 5 से गुना करिएगा। अगर मैं कहूँ 7A निकालो, गुना कर दीजिएगा 7 से और आप निकाल लीजिएगा। तो काफी आसान है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करना। तो आप समझते रहे और नोट डाउन करते रहे, टुकुर टुकुर नहीं देखें, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, है ना। ऑफ अ मैट्रिक्स, अब हम क्या समझेंगे, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव यानी कि ऋणात्मक, किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव यानी कि ऋणात्मक निकालना, क्या निकालना, ऋणात्मक, ऋणात्मक निकालना। ऋणात्मक निकालने का मतलब है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, हम उसको माइनस ए कैसे कर पाएंगे, हम उसको माइनस ए कैसे कर पाएंगे। माइनस ए कहने का मतलब हम यह भी तो कह सकते हैं कि ए वाले मैट्रिक्स में माइनस का मल्टीप्लाई है, ए वाले मैट्रिक्स में माइनस का मल्टीप्लाई है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसको निगेटिव निकालना है, यानी कि हम उसमें माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हम उसका निगेटिव निकाल पाएंगे। तो मल्टीप्ली यानी कि निगेटिव कुछ नहीं है, है क्या, एक माइनस का मल्टीप्लाई। हम एग्जांपल के तौर पर इसको बहुत जल्दी समझ पाएंगे। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2, -4, 5 और 7। अगर इस मैट्रिक्स का हमको निगेटिव निकालना है यानी कि माइनस ए निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इस वाले में माइनस से गुना कर देंगे, माइनस से गुना कर देंगे। अब माइनस से गुना करते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। यानी कि माइनस का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वह मैट्रिक्स ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यह दोनों मैट्रिक्स को अगर हम समझें कुछ अच्छे तरीके से, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, तो आप समझें। देखें आप एक क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा बाबू, हमारे पास क्वेश्चन होगा, जैसे हमने लिखा क्वेश्चन ए बराबर, हमने लिखा 2, 3, 5, 3, 1 और 2, ठीक है, और एक लिखा बी बराबर 5, 7, 9, 1, 2, 3, दो क्वेश्चन है। और हमने कह दिया फाइंड ए माइनस बी, ए माइनस बी, और दो नंबर कह दिया 2A - B या फिर प्लस कह दिया 2A + B। कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी आपको क्वेश्चन में कहा जा सकता है, आप बस समझें। यह दो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एडिशन बताया है, दो मैट्रिक्स का एडिशन, लेकिन आपको सब्सट्रैक्शन नहीं बताया, यानी घटाव नहीं बताया। घटाव होता क्या है, जैसे ए में माइनस बी, जैसे पहला सवाल कह रहा है कि ए माइनस बी, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं a+-b, 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 कहने का मतलब कि a तो रहेगा पॉजिटिव, लेकिन b को कर देंगे क्या, निगेटिव, b को क्या कर देंगे, निगेटिव, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो हम करते हैं इसको सॉल्यूशन, a को निगेटिव 2, 3, 5, 3, 1, 2, अब बीच में प्लस रहेगा, और इसको कर देते हैं निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब कि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई, तो सभी में माइनस हम लगा देते हैं। और तो यहां से हमारा जब माइनस हो गया, अब हम यहां से जब जोड़ेंगे इसको, तो 2 में -5 जोड़ेंगे, यानी कि 2 - 5, यहां से होगा 3 - 7, 5 - 9, और यहां से हो जाएगा 3 - 1 और 1 - 2 और 2 - 3,
और यहाँ से हम इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा माइनस थ्री, और यहाँ से हो जाएगा माइनस फोर, यहाँ से हो जाएगा माइनस फोर, और यहाँ से हो जाएगा थ्री में से वन गया बन जाएगा टू, और यहाँ से हो जाएगा माइनस वन, यहाँ से हो जाएगा माइनस वन। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो आप लोगों ने प्लस के माध्यम से क्यों बनाया, यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a माइनस बी, यानी कि a में से b को घटा लिया गया, a में से b को घटा लिया गया। कहने का मतलब आप सीधा घटा सकते हैं, दो में से पांच घटाएंगे तो कितना, दो में से पांच घटाइएगा, दो में से अगर पांच घटाइएगा तो कितना आएगा माइनस तीन आएगा, दो में से घटा पांच माइनस तीन, तीन में से घटा सेवन तो माइनस चार, पांच में से घटा नाइन तो माइनस फोर, थ्री में से घटा वन तो टू, और वन में से घटा टू तो कितना वन, और टू में से घटा थ्री तो माइनस वन। काफी आसान है घटाव हो या गुना। ठीक है, अब हम बनाते हैं दो नंबर सवाल को, आप करें इसको नोट डाउन। तो दो नंबर सवाल देखते हैं, तो दो नंबर सवाल हमारे पास काफी आसान है। तो हमको करना क्या है, टू ए प्लस बी है, टू ए प्लस बी, यानी कि ए में टू का मल्टीप्लीकेशन, कब जाकर के बी में हमको करना है एडिशन, ए में टू का मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद क्या करना है कि हमको बी में करना है उसको एडिशन। तो हम पहले टू ए कर लेते हैं, टू ए यानी कि ए में टू का मल्टीप्लाई, टू थ्री फाइव, थ्री वन टू, अब प्लस करना है किसको, बी को, तो फाइव सेवन नाइन और वन टू थ्री, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा चार हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तीन दुना का छ, पाँच दुना दस, तीन दुना छ और दो दुने के चार, अब इसको हो गया एडिशन कर देंगे इसमें फाइव सेवन नाइन और वन टू थ्री में, एडिशन करने से क्या होगा आप इसको कर दिए एडिशन, चार और पाँच चार नौ हो गया, और छ और सात तेरह हो गया, दस और नौ उन्नीस हो गया, और छ एक सात हो गया, और टू फोर हो गया, अब फोर और थ्री सेवन हो गया, आपको निकल गया टू ए प्लस बी एक मैट्रिक्स, जो कि काफी आसान सा टॉपिक है मैट्रिक्स। हम आपको इतना सारा सवाल और इतने अच्छे से आपको बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन और निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तीनों चीज बताने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को किस तरह से हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं और किस तरह से हम लोगों ने इसको जोड़ते हैं। अगले दिन हम बताएंगे आपको कि दो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी अगर हम आज शुरू करेंगे तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ें, और जब भी पढ़ें तो कॉपी कलम निकाल कर नोट डाउन करते हुए पढ़ें, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को आगे पीछे कर पढ़ें, अब फिर भी नहीं समझ में आए आप कमेंट करें, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी बच्चा अछूता नहीं रह जाए इस केस क्लास से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।